हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम डिस्कस करेंगे वुड्स रिएक्शन। ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आईआईटी और नीट के लिए। यहां से ये क्वेश्चन आपको हर साल देखने को मिलता है, तो चलो स्टार्ट करते हैं वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन क्या होता है? वुड्स रिएक्शन में जो भी अल्काइल हैलाइड होता है, इस अल्काइल हैलाइड को हम किसी मेटल के साथ ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इथर। और यहां पे जो प्रोडक्ट बनता है हमारे पास, एल्केन प्लस ये हमारा बाय प्रोडक्ट यहां पे बन जाता है। अगर आप अपनी बुक्स में देखें तो ये रिएक्शन कुछ इस तरह से एक डिब्बा बनाया होता है, और इस तरह से आर और आर कंबाइन कर जाते हैं, मतलब तो हमारे पास यहां पे एल्केन का फॉर्मेशन होता प्लस वहां पे NaX जो भी हमारा साइड प्रोडक्ट यहां पे बनता है। लेकिन ये रिएक्शन एक्चुअल में होता कैसे है, हम इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं। देखिए मैकेनिज्म में अगर हम देखें तो जो सोडियम होता है, अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। तो सोडियम को अपने ऑक्टेट को इनकम्प्लीट करने के लिए अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो सोडियम क्या करता है, यहां पे Na से Na प्लस फॉर्म में जाता है विद द लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। मतलब सोडियम का क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो सोडियम Na प्लस फॉर्म में चला गया और साथ में उसने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया। सेकंड स्टेप में क्या होता है, सेकंड स्टेप में देखिए हमारे पास एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड में अगर हम देखें तो दे कार्बन और हेलोजन में हेलोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा होती है, तो इसके ऊपर डेल माइनस चार्ज क्रिएट हो जाएगा और कार्बन के ऊपर डेल प्लस चार्ज क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन यहां पे सोडियम ने लॉज किया, ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इस आर के ऊपर अटैक करेगा और इस एक्स को यहां से क्या कर देगा, लात मार के बाहर निकाल देगा। तो यहां पे हमारे पास क्या क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास प्रोड्यूस हो जाएगा R प्लस, मतलब रेडिकल प्रोड्यूस हो जाएगा प्लस X नेगेटिव हैलाइड। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बनना तो कार्बो का टेन चाहिए था, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन भी तो R को मिल रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास जो इंटरमीडिएट जनरेट होता है वो कौन जनरेट होता है, वो आपका R रेडिकल जनरेट होता है। एंड दिस रिएक्शन इज प्रोसीड बाय और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अगर हम देखें तो ये जो रिएक्शन होता है, दिस रिएक्शन इज प्रोसीड बाय और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। और फिर अपने को पता है कि जो आर रेडिकल है वो आर रेडिकल के साथ कंबाइन करके क्या प्रोड्यूस कर देगा, आर आर एल्केन। ठीक है, क्लियर है? तो हम देखें सबसे इंपॉर्टेंट बात, दिस रिएक्शन इज प्रोसीड बाय अ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। सबसे पहले सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। फिर सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन लॉस किया वो इलेक्ट्रॉन कहां पे, इस कार्बन के ऊपर अटैक कर रहा है, एल्काइल ग्रुप के ऊपर अटैक कर रहा है। और तो यहां पे मेरे पास आर फ्री रेडिकल जनरेट हो गया प्लस एक्स नेगेटिव। ऐसे ग्रुप जो लीव कर जाते हैं इनको हम बोलते हैं लीविंग ग्रुप। तो यहाँ पे जो एक्स हैलाइड आयन है वो हमारा लिविंग ग्रुप है। फिर थर्ड स्टेप में क्या होता है, जो आर रेडिकल हमारे पास प्रोड्यूस हुआ वो दूसरे आर रेडिकल के साथ कंबाइन करके क्या प्रोड्यूस कर देगा, एल्केन्स प्रोड्यूस कर देगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे अगर आप रिएक्शन में देखें तो यहाँ पे हम ड्राई इथर लेते हैं। ड्राई इथर का मतलब कि उसमें पानी नहीं होना चाहिए, पानी एब्सेंट होना चाहिए।
अब ड्राई ड्रम क्यों लेते हैं, मान लीजिए हम यहां पे क्या वाटर ले लें तो क्या हो जाएगा, अपने को पता है भी सोडियम, सोडियम बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल है, और अगर हम यहां पे मान लीजिए ड्राई ईथर की जगह सॉल्वेंट ले लें पानी तो क्या हो जाएगा भाई, अपने को पता है कि जब भी सोडियम पानी के कांटेक्ट में आएगा तो ये क्या कर देगा भाई, आग लगा देता है, आग लगा देगा, और साथ में क्या करेगा, H2S गैस भी प्रोड्यूस करेगा। तो देखिए जब सोडियम पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो NaOH मतलब आग लगा देगा, प्लस साथ में हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस करेगा, इसलिए हम यहाँ पे जो सॉल्वेंट लेते हैं वो कौन सा सॉल्वेंट लेते हैं, वो हम यहाँ पे ड्राई ईथर सॉल्वेंट लेते हैं, और एक ऐसा सॉल्वेंट होता है इनर्ट सॉल्वेंट होता है जो इस सोडियम के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो इसलिए यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि सॉल्वेंट अपने को कौन सा लेना है, यहाँ पे अपने को ड्राई ईथर सॉल्वेंट लेना है, और अगर आप इस तरह का कोई पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे पानी हमने ले लिया तो क्या हो जाएगा, वो सॉल्वेंट सोडियम के साथ रिएक्ट करके वहां पे H2 गैस प्रोड्यूस करेगा, साथ में वहां पे क्या करेगा, आग लगा देगा। ठीक है, क्लियर? तो इस चीज को ध्यान रखें, तो इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस रिएक्शन। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस रिएक्शन, तो सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स जो है इस वुड्स रिएक्शन से हम सिर्फ सिमेट्रिकल एल्केन बना सकते हैं। इस वुड्स रिएक्शन से हम क्या बना सकते हैं, सिमेट्रिकल एल्केन। जैसे सिमेट्रिकल एल्केन में क्या हम इसे CH3 ये बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। इसी तरह CH3 CH2 CH2 CH3 ये भी हम बना सकते हैं। अब एक स्टूडेंट है, उसने क्या बोला कि हम इससे अनसिमेट्रिकल एल्केन भी बना सकते हैं, और उसने क्या किया, एक RX की जगह CH3Cl ले लिया और दूसरे एल्काइल की जगह क्या ले लिया, CH2 CH3 इथाइल क्लोराइड ले लिया, और यहां पे बोला कि हम इस मेथड से अनसिमेट्रिकल एल्केन भी बना सकते हैं। लेकिन क्या यहां पे यही प्रोडक्ट बनेगा, देखते हैं। देखिए जब CH3Cl जब ये बॉन्ड टूटेगा तो यहां पे जो रेडिकल प्रोड्यूस होगा कौन सा, CH3 रेडिकल, और यहां पे जो रेडिकल आपका प्रोड्यूस होने वाला है वो कौन सा रेडिकल प्रोड्यूस होगा, CH3 CH2 रेडिकल। तो यहां पे क्या हो सकता है, ये CH3 रेडिकल खुद के साथ कंबाइन करेगा, तो CH3 और CH3 जब कंबाइन करेंगे तो यहां पे मेरे पास प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH3। इसी तरह CH3 CH2 जब खुद के साथ कंबाइन करेगा तो यहां पे प्रोडक्ट बना देगा CH3 CH2 CH2 CH3। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है कि ये रेडिकल इस रेडिकल के साथ कंबाइन करेगा तो हमारे पास यहां पे प्रोपेन बनेगा। तो आप देख रहे होंगे कि अपने को यहां पे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिल रहा है, और इस मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट को कौन सेपरेट करेगा, और ऊपर से ये गैसेस फॉर्म होती है तो इस तरह के प्रोडक्ट को सेपरेट करना बहुत डिफिकल्ट है। तो इस मेथड से हम सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिकल एल्केन या इवन नंबर ऑफ एल्केन्स बना सकते हैं, ऑड नंबर ऑफ एल्केन्स हम इस मेथड से नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते हैं, अगर हम इस मेथड से ऑड नंबर ऑफ एल्केन बनाने जाए
अपने को मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा और उस मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट को सेपरेट करना के लिए अपने को बहुत ज्यादा कॉस्टली होगा, ठीक है। तो इसलिए इस वाले मेथड से हम सिर्फ इवन नंबर ऑफ एल्केन्स बनाते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टीज या सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो क्या है कि जो R है आपका वो या तो CH3X और 1 डिग्री होना चाहिए। अगर हमारा R 3 डिग्री होगा तो यहां पे R 3 डिग्री या 2 डिग्री होगा तो यहां पे अपने को डिसप्रोपोर्शनेशनल रिएक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर है। तो अगर R आपका 3 डिग्री या 2 डिग्री होगा तो वहां पे कॉम्बिनेशन के साथ साथ आपको डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी देखने को मिलेगा, क्लियर है। थर्ड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस रिएक्शन इज, जो थर्ड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है इस रिएक्शन का वो क्या है कि जैसे मान लीजिए मेरे पास क्लोरोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन में मैंने सोडियम और यहां पे टीएच है तो यहां पे क्या बन जाएगा वाई फिनाइल। यहां पे क्या प्रोडक्ट बन गया हमारे पास वाई फिनाइल। तो अगर आप यहां पे देखें तो इस केस में हम जो सॉल्वेंट ले रहे हैं THF, THF क्या होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरा, ये एक सॉल्वेंट होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरा और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है हाई होता है। अब अगर आप यहां पे ध्यान से देखें तो ये जो Cl ग्रुप है जो बेंजीन के साथ अटैच है ये क्या कर रहा है इस बेंजीन के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व है जिसकी वजह से यहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर है। अब इस पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर को तोड़ने के लिए अगर आप मान लीजिए यहां पे सॉल्वेंट ले लेते कौन सा डाइमिथाइल ईथर, तो डाइमिथाइल ईथर का बॉइलिंग पॉइंट तो क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट होता है लो, तो ये तो क्या हो जाएगा इवेपोरेट हो जाएगा। ये रिएक्शन होने वाला है हाई टेम्परेचर के ऊपर और हाई टेम्परेचर के ऊपर डाइमिथाइल ईथर तो क्या हो जाएगा इवेपोरेट हो जाएगा। तो अपने को ऐसा सॉल्वेंट चाहिए इस केस में जो हाई टेम्परेचर पे भी लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सके। तो जब भी हमारे पास कोई एरोमेटिक अल्काइल हैलाइड है एरोमेटिक हैलाइड है तो उस केस में हम यहां पे जो सॉल्वेंट लेंगे वो THF लेंगे। इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। दिस इज इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस रिएक्शन। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस रिएक्शन इज फोर्थ, जैसे मेरे पास है RiRbRRCl एंड तो कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा कौन जल्दी वो रिएक्शन देगा मतलब रेट किसका सबसे फास्ट होगा। अगर हम यहां पे रेट लिखे RF नहीं, यहां पे अगर हम देखें RF तो ये जो बॉन्ड होता है हाईली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है इसकी बॉन्ड एनर्जी तो क्या होगी हाई। तो बॉन्ड जितने जल्दी टूटेगा रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा। तो ये जो बॉन्ड होता है ये जनरली क्या होता है वीक बॉन्ड होता है। तो इसका मतलब अगर हम रेट ऑफ एल्काइल हैलाइड लिखे तो Ri सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर RbR, फिर RCl और RF तो बहुत कम ही रिएक्ट करता है। क्यों? क्योंकि इसका बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होता है। तो Ri सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर RbR, फिर RCl और RF बहुत कम रिएक्ट करेगा ड्यू टू हाई
बॉन्ड एनर्जी ऑफ दिस आर एंड एफ बॉन्ड। क्लियर है? ये क्वेश्चन बहुत बार जे और नेट में पूछा जाता है। क्लियर है? तो ये करैक्टरिस्टिक्स इस रिएक्शन की, फर्स्ट करैक्टरिस्टिक्स क्या थी, इस मेथड से आप सिर्फ सिमेट्रिकल एल्केन्स बना सकते हैं, इवन नंबर ऑफ एल्केन्स बना सकते हैं, ऑड नंबर ऑफ एल्केन्स आप नहीं बना सकते। अगर आप ऑड नंबर ऑफ एल्केन्स इस मेथड से बनाना चाहते हैं तो आपको क्या मिलेगा, एक मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा और उस मिक्सचर को सेपरेट करना बहुत कॉस्टली होगा, बहुत डिफिकल्ट होगा और इतना ज्यादा कॉस्ट कोई नहीं लगाएगा इस मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए। हमारे पास इससे भी बेटर मेथड है ऑड नंबर ऑफ एल्केन्स बनाने के। सेकंड, जो हमारा एल्काइलाइड है वो या तो वन डिग्री होना चाहिए या मिथाइलाइड होना चाहिए। अगर हमारा एल्काइलाइड 2 डिग्री या 3 डिग्री होगा तो वहां पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ साथ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी होगा। थर्ड इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स है, अगर हमारे पास एरोमेटिक हैलाइड है तो वहां पे जो आप सॉल्वेंट लेंगे वो आप टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉल लेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो रिएक्शन होगा ये हाई टेम्परेचर के ऊपर होगा और अगर आप नॉर्मल सॉल्वेंट वहां पे लेते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा और बॉइलिंग पॉइंट की वजह से वो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। तो आपको सॉल्वेंट वो लेना है जो हाई टेम्परेचर के ऊपर भी लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सके। लास्ट अगर हम देखें, अगर आपके पास वाले ये RI, RBR, RCl और RF गिवन है और आपसे अगर रेट पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द मोस्ट रिएक्टिव एल्काइल हैलाइड टुवर्ड्स गुड्स रिएक्शन, तो यहाँ पे आप देखें RI सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा और RF सबसे लो रिएक्टिव होगा, सबसे कम रिएक्टिविटी होगी RF की यहाँ पे। क्लियर है? तो चलो अब इसमें हम कुछ एक प्रॉब्लम करते हैं जो IIT और NEET में पूछी जा चुकी है। क्लियर है? तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम। तो यहां पे हम कुछ एक प्रॉब्लम करते हैं। अब यहां पे जैसे चलो देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जिसमें हमारे पास है CH3Cl, उसको हम रिएक्ट कर रहे हैं सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो इस केस में सबसे पहले हमारे पास जो रेडिकल बनेगा कौन सा रेडिकल बनेगा, CH3 रेडिकल, और CH3 रेडिकल दूसरे CH3 रेडिकल के साथ कंबाइन करेगा और हमारे पास यहां पे बन जाएगा CH3। तो फर्स्ट केस में सबसे पहले क्या होगा, इस बॉन्ड का होमोलिटी क्लियर, सॉरी इस ये बॉन्ड जब यहां से ब्रेक होगा तो यहां पे CH3 रेडिकल बनेगा और CH3 रेडिकल दूसरे CH3 रेडिकल के साथ कंबाइन करके क्या बना देगा, यहां पे इथेन। ठीक है? सेकंड वाले में देखिए हम,
तो यहां पे हमारे पास जो रेटिकल बनेगा CH3 CH2, तो ये कंबाइन करेगा दूसरे CH3 रेडिकल के साथ, और यहां पे जो प्रोडक्ट बन जाएगा हमारे पास वो बन जाएगा CH3 CH2 CH2 एंड CH3। क्लियर है? तो इसमें क्या बन गया हमारे पास एन ब्यूटेन। अब यहां पे देखिए ये 1 डिग्री था, ये 1 डिग्री था, ये आपके पास 2 डिग्री एल्काइल है, और मैंने आपको बोला था 2 डिग्री में कॉम्बिनेशन और डिस्प्रोपोर्शनेशन दोनों रिएक्शन होंगे। तो यहां पे हमारे पास एक तो ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, दूसरा यहां पे एल्कीन बनेगा, और एक और प्रोडक्ट यहां पे बनेगा।